नमस्कार दोस्तों, अगर आपके हाथ की हड्डी टूट गई है, यहाँ की फोर आर्म की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन हुआ है चाहे प्लास्टर हुआ है और उसके बाद से जाम हो गया है, तो क्या एक्सरसाइज करना है, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप हॉस्पिटल, आई एम प्राउड फादर ऑफ भूषण एंड हस्बैंड ऑफ लवली वुमन। ये फोर आर्म का फ्रैक्चर, जैसे रेडियस का, अल्ना का, रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया, बहुत ही कॉमन है, और ये होने के बाद से हाथ जाम हो जाता है। कितना बार तो प्लास्टर लगाते हैं, चाहे ऑपरेशन भी करते हैं, मरीज चलाता नहीं है तो उंगलियां भी जाम हो जाती है, उंगलियां, ये उंगली, क्योंकि ऑपरेशन तो इधर हुआ रहता है, प्लास्टर तो इधर रहता है, लेकिन ये भी जाम हो जाता है। प्लास्टर यहाँ तक लगा रहता है और चलाते नहीं है तो ये जाम, तो ये भी चलाना है, पूरा चलाना है, पूरा बंद करना, पूरा सीधा करना, पंजा भी चलाना, तो ये तो ये उंगलियों के लिए। लेकिन मेन यहाँ पे तीन मूवमेंट रहता है, एक तो ये हाथ का एक ये मूवमेंट, एक ऊपर करना, एक नीचे करना, दूसरा एक इसको चलाना, ये फोर आर्म को चलाना ऐसे। हाँ, कितना बार इसको इसको समझने के लिए ना, इसको पेट से सटा लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना सीधा हो रहा है और कितना बंद हो रहा है, कितना सीधा हो रहा है। क्योंकि कितना बार मरीज ऐसा भी रहता है ना, ऐसे करते तो यहां से चला लेता है और उसको लगता है कि हमारा हाथ चल रहा है, तो ये भी चलना चाहिए। और तीसरा चीज है कि एल्बो, ये भी जाम हो गया रहता है, तो ये तीन मूवमेंट है। हमारे ये मरीज का ऑपरेशन हुआ है, हाँ, तो इनका तो एल्बो का मूवमेंट तो ठीक है, रिस्ट का मूवमेंट, ये उंगली चलाइए, उंगली पूरा बंद करिए, अंगूठा भी चलाना है, अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगूठा हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट रहता है, अगर अंगूठा काम ना करे तो समझिए कि आपका हाथ 80% बेकार है। इसीलिए एकलव्य का अंगूठा काट दिए थे, अंगूठा गया काम करता, ठीक है ना, अंगूठा का मूवमेंट होना बहुत जरूरी रहता है, लेकिन अंगूठा भी इनका ठीक है, लेकिन इनका कहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, चलाइए पंजा, चलाइए यहाँ पे, ये पूरा ऊपर नहीं हो रहा, तो इसको चलाना है, इसको एक्सरसाइज करना है, तो ये एक्सरसाइज, इसको नीचे करना है, उसी तरह से ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, इसी तरह से ऊपर करना है, और इसको बार बार करना, अपने हाथ से भी कर सकते हैं, करिए, हाँ, ऊपर करिए, ऊपर करिए, नीचे करिए, हाँ, थोड़ा जोर लगाना है, खूब जबरदस्ती एक ही बार में नहीं कर देना है कि टूट जाए, टूटता है नहीं, कोई अपने से तोड़ भी नहीं सकता, लेकिन ये बार बार कोशिश करना है, ठीक। और दूसरा जो एक्सरसाइज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फोर आर्म का एक्सरसाइज करिए, फोर आर्म वाला एक्सरसाइज करिए, हाँ, करिए ऐसे, हाँ ऐसे, और दूसरा हाथ में करिए, ऐसे करिए, ये करिए, ये भी करिए, साथ में करिए, तो ये नहीं हो रहा है, इनका ये मूवमेंट बिल्कुल जाम हो गया है, तो इसको पेट में सटा के इसको सीधा करना है, बंद करना है, सीधा करना है, बंद करना है, लगे तो ताला चाबी लेके इसको इसको पेट में लगा के और इसको खोलना है, इसको बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, बार बार करेंगे तब जाके ये मूवमेंट फ्री होता है, एक ही दिन में नहीं फ्री होता है। और अगर आपका अगर एक महीना प्लास्टर लगा और एक महीना आप सचमुच कसर किए तो एक डेढ़ महीना में फ्री हो जाता है, लेकिन अगर उससे भी नहीं फ्री होता है तो जरूर अपने डॉक्टर को दिखाइए, उसमें क्या किया जा सकता है उस तरह से करेंगे। और मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करिए, इसको शेयर भी करिए जितना से ज्यादा से लोगों को, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी हमको बताइए। थैंक यू, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।